पटियाला में एडमिशन लेना चाहती हूँ और क्या मैं अपनी सीट सिक्योर करने के लिए मुझे चॉइस फिल करने से पहले कॉलेज वालों से बात कर लेनी चाहिए तो क्या मेरी सीट सिक्योर हो जाएगी? सर ऐसे है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये नहीं चलता, आप बात करके तसल्ली हो जाएगी, आपको स्टेटस पता चल जाएगा, लेकिन आप प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज की फिल कीजिए। ये हो सकता है कि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज को ज्यादा प्रेफर फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है आपका कॉम्बिनेशन जो है वन वो फिल कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर दूसरा कॉम्बिनेशन है वो फिल कीजिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो। मेरी गाइडेंस ये कहती है कि आप जो अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसको सिलेक्ट करो, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गई नहीं तो नेक्स्ट में जाओ। तो आपको सीट सिक्योर जो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ऐसी होती, वो प्राइवेट कॉलेज में होती है, प्राइवेट कॉलेज में भी क्योंकि उनके पास सीट्स ज्यादा होती हैं वो एडजस्टमेंट थोड़ी कर लेते हैं, दैट इज व्हाई प्राइवेट में सिक्योर होती है, गवर्नमेंट में नहीं ऐसा कुछ भी होता। सर जीएनडीयू के अंडर कॉल, सर ये मोबाइल नंबर नेटवर्क से आ रहा है, आउट ऑफ कवरेज है, मेरे पास बीए में, आपके पास क्या है, बीए में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, तो ये बन गया एसएसटी आपका, बिल्कुल ठीक। इलेक्टिव पंजाबी है, इलेक्टिव पंजाबी तीन साल नेचुरली पढ़ी है, इलेक्टिव है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर इसके लिए एलिजिबल हो गए ना तो आपको पंजाबी ही लेना चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी, आपने पूछा है। और मेरा एसएसटी इलेक्टिव पंजाबी का कॉम्बिनेशन बनता है, क्या मैं इसके साथ इंग्लिश एज माइनर सब्जेक्ट लेकर टीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकती हूँ? नहीं हो सकते। आप अगर पंजाबी की जगह एसएसटी के साथ इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश आपकी जनरल है, जनरल जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं गिनी जाती, उसके लिए इलेक्टिव पढ़ी होनी चाहिए और तीन साल पढ़ी होनी चाहिए फिर आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। दैट इज व्हाई आपको अगर आप टीचिंग ऑफ इंग्लिश ले लेते हो, बीएड में हो जाता है तो आपको बाद में एडिशनल देना पड़ेगा, किसमें, बीए का तीन साल का। सर मेरे पास में मैथ्स ठीक है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, बीएड में फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कर रहा हूं। ठीक है जी, कीजिए, बहुत से लोग मेरे साथ भी कई जाने करते थे, इसके लिए मुझे बीएड में कौन से सब्जेक्ट ठीक रहेंगे? फ्रॉम मलेरकोटला, नेचुरली मलेरकोटला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, तो आपका वैसे भी इकोनॉमिक्स एसएसटी बन रहा है तो एसएसटी के साथ मैथ्स नहीं मिलता, हाँ मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स मिल जाता है। आपका एक बन रहा है मैथ इकोनॉमिक्स, ये रहा मैथ इकोनॉमिक्स आपका बन रहा है, और दूसरा बन रहा है एसएसटी साथ में मैथ्स बन रहा है, ये मैं अभी देख देता हूँ कि अगर मैथ्स मिलता है तो फिर चलेगा। मैथ्स के साथ एसएसटी नहीं बन रहा आपका, तो आपके लिए बेस्ट है मैथ इकोनॉमिक्स ये वाला, दूसरा है मैथ के साथ आप इंग्लिश या पंजाबी ले सकते हो, इंग्लिश या पंजाबी, क्योंकि आप सिक्योर करने के लिए यहां पर आप मैथ इकोनॉमिक्स लेते हो तो फायदा आपको क्या है, मैथ्स के लिए आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कुछ भी एडिशनल नहीं करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के लिए आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, पीजीटी के लिए आपको बाद में मीन एमए इकोनॉमिक्स करके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। यहां आप मैक्सिमम मैथ को कभी मत छोड़िए मैथ, और इसके साथ मेरे ख्याल में पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स ही मिलेगी। दूसरा, अगर आप मैथ के साथ इंग्लिश में जाते हो तो फिर आपको बाद में इंग्लिश का एडिशनल देना होगा ग्रेजुएशन में तीन साल का, अगर पंजाबी जाते हो वो भी ऐसे ही एडिशनल ग्रेजुएशन तीन साल देना होगा, फिर आप टीचिंग ऑफ पंजाबी के लिए एलिजिबल हो गए या टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए। दैट इज वाई मैथ इकोनॉमिक्स आपकी फर्स्ट बन रही है और इंग्लिश दूसरी, मैथ पंजाबी तीसरी। सर आप कह रहे हो कि मैंने एमए पॉलिटिकल डिस्टेंस एजुकेशन करूं, डिस्टेंस नहीं, आपको ओपन से करनी है। देखिए तीन कंसेप्ट डिफरेंट है, ओपन, सीसी एंड डिस्टेंस, बेशक ये एक दूसरे के पार्ट है। ओपन का मतलब है आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए, अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहे हो रेगुलर तो, दैट इज व्हाई ओपन से अगर एमए पॉलिटिकल साइंस होती है, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहां से आप कर सकते। सर गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं? सर बता दिए, एक वीडियो निकाल दिया है, सर सब्जेक्ट को चॉइस फिल हो रही है जी,
सर आप प्लीज जलंधर के हो, जो सबसे बढ़िया प्राइवेट कॉलेज है बीएड के उनकी फीस बता दो, क्योंकि मुझे उन सब की फीस नहीं पता चल रही तो क्या क्या है। वैसे तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रेफर करना है, बट वहां मेरे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज मेरा ये आंसर दे दियो। एंड साइंस मैथ्स है, साइंस मैथ है मैम, साइंस मैथ भी आप मेरे ख्याल में इनोसेंट हार्ट्स इसलिए बोल रहा हूं, तो वहां का मेरा एक्सपीरियंस है इनोसेंट हार्ट्स का, वहां मैंने टीच कराया भी है, तो इनोसेंट हार्ट्स आप एक बार प्रेफर कर लीजिए। उनका नंबर ही मैंने दिया था, डॉक्टर अर्जिंदर सिंह वहां के ही प्रिंसिपल हैं, 9872978981। दूसरा नंबर होगा उनका 9216194613। ये इसलिए है क्योंकि क्वालिटी की बात भी साथ में है, क्योंकि मेरिट वाइज ये कॉलेज टॉप पर रहता है। दूसरी बात है कि पिछले 2-3 साल में सबसे पहले दूसरे नंबर पर, पंजाब में दूसरे नंबर पर ये फिल होता है कॉलेज, एक्चुअली जिसकी प्रेफरेंस होगी। इसके अलावा एमजीएन कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, उनका भी पता करके आपको बता दूंगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, तो आपका एसएसटी फिजिकल एजुकेशन बन रहा है, बिल्कुल अच्छा, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका। ये मेरे ख्याल कम कॉलेज में होगा, आप अगर एरिया बताते तो फिर मैं बता देता कि आप फिर कॉलेज कौन सा बैठ। मैं ग्रेजुएशन विद इंग्लिश लिटरेचर इसको मान के चल रहा हूँ, आप इलेक्टिव इंग्लिश बोल रहे हो और पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, कंप्यूटर साइंस हो गया। सर क्या मैं एमए इंग्लिश और एसएसटी का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? एमए तो आपने की है कि नहीं की है यहाँ आपको बताना चाहिए था। अगर आपने एमए की हुई है तो आपका एसएसटी का तो बन नहीं रहा, क्योंकि एक आपने सोशल साइंस पढ़ी हुई है, साथ में आपको कोई और फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, 13 साइंसेस हैं, उनमें से 2 पढ़ी हुई होनी चाहिए तभी आप एसएसटी का बन सकता है, वो आपका नहीं बन रहा। दैट इज वाई आपको जाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर, जहां पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस की जो पोस्ट होगी आप एलिजिबल हो पीजीटी के लिए होगे, और इसके बाद वो तब होगे जब आप पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे। ठीक, तो यहां पर आपका कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश बेटर है अगर आप एमए इंग्लिश की तरफ जाना चाहते हो। इंग्लिश तो मत छोड़िए, साथ में इनमें से एक प्रेफर कर लीजिए, ये आपका स्कूल सब्जेक्ट बन रहा है पीजीटी के लिए। ठीक, और ये बन रहा है आपका पीजीटी। आप पूछ रहे हैं अगर मैं एमए इंग्लिश माइनर लेता, मैं इंग्लिश माइनर लेता हूं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई वांट टू प्रोसीड एज ए इंग्लिश टीचर। नहीं, कोई माइनर शब्द लास्ट में कोई मीनिंग नहीं उसका रह जाता। आपका ये देखा जाएगा कि आपने 3 साल इंग्लिश एज इलेक्टिव पढ़ी है, तो आपने इलेक्टिव अगर पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव डन ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, एमए फाइन आर्ट्स फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, विच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद बेस्ट विद फाइन आर्ट, आई वॉज नॉट हैविंग इलेक्टिव सब्जेक्ट। नहीं, ये इलेक्टिव इनको ही बोल रहे हैं, फाइन आर्ट्स इलेक्टिव है ना, इनको इलेक्टिव बोल रहे हैं आप, इलेक्टिव हिंदी पंजाबी इंग्लिश उनको समझ रहे हो, मैंने ये डेफिनेशन कही और भी है। तो आप देखिए, आपका ये जो पॉलिटिकल साइंस है पब्लिक एड है ना, ये आपका मिलके दोनों एसएससी बहुत अच्छा बन रहा है, एसएससी के साथ फाइन आर्ट अगर मिलता है तो आप ले लीजिए, मैं अभी देख देता हूं फाइन आर्ट्स प्लस। अब मुझे ये नहीं पता कि आप फाइन आर्ट को प्रेफर करना चाहते हो, अगर फाइन आर्ट को प्रेफर करना चाहते हो तो फिर कोई लैंग्वेज साथ में मिलेगी। एसएससी का अभी हम देख लेते हैं, यहां पर फाइन आर्ट्स के साथ लैंग्वेज है यहां पर। तो सर आपका फाइन आर्ट्स के साथ एसएसटी नहीं कोई भी कॉलेज दे रहा, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इट मींस आपको चूज करना पड़ेगा मेजर, जहां तो एसएसटी है ना, जहां फाइन आर्ट्स। अगर आप एमए फाइन आर्ट्स फ्रॉम पटियाला यूनिवर्सिटी ये आपने की हुई है तो ये करके आप फाइन आर्ट्स करके साथ में मान लीजिए ये करके आप पीजीटी के लिए सिर्फ एलिजिबल हुए हैं, और साथ में मान लीजिए आपने पंजाबी ले ली है जहां आपने इंग्लिश ले ली है,
तो बाद में मान लीजिए आपने पंजाबी ले लिया है तो आपको ग्रेजुएशन का 3 साल का इलेक्टिव पंजाबी का एक महीने में ही हो जाते हैं ये पेपर, वो देने होंगे। वो देके आप फिर टीजीटी के लिए 6th to 10th तक टीचर पढ़ाने के लिए आप फिर एलिजिबल हो गए पंजाबी के लिए या इंग्लिश के लिए। अगर आपकी प्रेफरेंस ये है तो आप फाइन आर्ट्स और आपको यही लेना पड़ेगा, ये नहीं आप ले नहीं सकते। हाँ, पंजाबी और जनरल इंग्लिश लेके आप एलिजिबल नहीं हो, आपको एडिशनल देना पड़ेगा, ये बात है। तो आप ऐसा कर लीजिए अगर आपकी ये प्रेफरेंस है, बाद में आप क्या कीजिए कि एडिशनल एक दे दीजिए आप बीएड का एसएसटी का, वो आप एलिजिबल हो गए, और ग्रेजुएशन का दे दीजिए जिस लैंग्वेज को आप चूज करोगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बेस्ट गाइडेंस है आपका। सर इफ आई विल डू एमएससी मैथ्स यस आफ्टर बीएड तो क्या मैं पीजीटी के लिए अवेलेबल हूं? सर ये देखिए, आपने एमएससी मैथ्स मान लीजिए कर ली तो बीएड में आपने पेडागॉजी ऑफ या टीचिंग ऑफ मैथ्स करनी होगी। अगर ये आप कर लेते हो पेडागॉजी आप मिली बीएड में और ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा हुआ और एमएससी मैथ्स कर लेते हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपने कोई बाकी सब्जेक्ट मुझे नहीं बताई, दैट इज वाई मैं आगे आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। आप पूरे सब्जेक्ट बताइए फिर मैं आपको बता दूंगा। इज इट नेसेसरी टू फिल 10 कॉलेजेस? नहीं, जरूरी नहीं है, आप जितने चाहो, देन कैन लिखा है ना वहां पर, आप 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी फिल करो। थैंक यू सर। सर मैं एमएससी मैथ्स बीएससी नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्या मैं टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हूं? आपने एमएससी मैथ्स है ना की हुई, ये एमएससी मैथ्स है। जब आप बीएड में, ये रहा बीएड, बीएड में क्या नंबर एक आप मैथ लो, मैथ्स के साथ आपके फिजिक्स यार बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका, साइंस मैथ्स ये कॉम्बिनेशन। आप मैथ्स को नहीं छोड़ो क्योंकि आपने एमएससी मैथ्स कर ली है ना, जा करनी है, तो मैथ्स को जब बीएड में कर लोगे तो यहां आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए और टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो, पीजीटी के लिए भी मैथ्स के लिए एलिजिबल हो। हाँ, साइंस के लिए आप सिर्फ टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, तो पीजीटी अगर करनी है तो साइंस की, तो फिर आपको दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे। नंबर एक पेडागॉजी ऑफ, मेरे ख्याल में वो आपको जरूरत नहीं है, आप बाद में पूछ लीजिए, ये आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। फिर भी आप पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस अगर करना चाहते हो तो फिर इसकी आपको मास्टर डिग्री भी करनी पड़ेगी साथ में, तो आपके लिए ये बेस्ट है, मैथ साइंस साइंस मैथ्स ये चुन लीजिए। सर बीए में जनरल पंजाबी इंग्लिश इलेक्टिव पंजाबी हिस्ट्री ज्योग्राफी रखी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे? आपका एसएसटी और लैंग्वेज बन गया, आपने इलेक्टिव पंजाबी ली है ना, तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेस्ट कॉम्बिनेशन है एसएसटी, और ये सभी कॉलेज ने इलेक्टिव पंजाबी, तो ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है एसएसटी पंजाबी। सर पटियाला में अच्छे रिक्रूटेड कॉलेज के बारे में बता सकते हो? चलो मैं पता करके बता दूंगा। हाँ है, मेरे वहां पीएचडी के मेरे स्टूडेंट हैं, मैं पता करके इंफॉर्मेशन लेके बता। एक बात और है, गुड कॉलेज रिक्रूटेड कॉलेज आपकी डेफिनेशन क्या है, कि आप अच्छा कॉलेज किसको कहते हो ना, कोई मुझे कमेंट में ये बताए। हेलो सर, मेरा इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, कौन सा मेजर और कौन सा माइनर? ये बात नहीं, आपने क्या पढ़ा है अब मुझे नहीं पता, आपने अगर दोनों ही पढ़े हैं आप कोई भी मेजर ले लीजिए माइनर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जॉब के वक्त 3 साल प्लस जो 3 साल पढ़ा है एज इलेक्टिव, मतलब पढ़ा है दो दो जिसके पेपर दिए गए हैं हर साल, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कंप्यूटर भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी 3 साल वैसे ही पढ़ी है, तो आप इनमें से कंप्यूटर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस कोई भी आप मेजर माइनर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर सब्जेक्ट किन्ने फिल करने हैं? कोई भी माइनर सब्जेक्ट फिल नहीं करना, कोई भी नहीं करना, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट कॉलेजेस ने देने हैं, यूनिवर्सिटी ने नहीं। यहां मेजर सब्जेक्ट भी किन्ने फिल करने हैं प्लीज क्लियर, एक वीडियो पूरा बताया गया है अभी। हाई हम्बल ये रिक्वेस्ट, कुछ नहीं कहना, हम्बल मैं भी ऐसे ही हूं, मिट्टी हूं मैं भी। अच्छा, होंगे टोटल, क्या पूछा है, कितने सब्जेक्ट होंगे टोटल सर बीएड विच? ये मुझे पता नहीं, आप बीएड जो सेम 1 सेम 2 में जो पढ़ना है वो पूछ रहे हो? अगर वो पूछ रहे हो उस पर अलग वीडियो बना दूंगा, बीएड में कौन से सब्जेक्ट होते हैं।
तो आप, मैं भी हम्बली आपसे कहता हूं बड़े प्यार से कि आप मेजर सब्जेक्ट 10 कैटेगरी आपको दी गई है, ये देखना है आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन कॉलेज नंबर फर्स्ट, आपने कॉलेज फर्स्ट फिल किया और अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन फिल कर दिया। अगर उसी कॉलेज को रखना चाहते हो दूसरा रैंक का अपना कॉम्बिनेशन फिल कर दो, तीसरे का फिर फिल कर दो। अगर ये यहां तक आप टॉलरेट करते हो उसके बाद कॉलेज चेंज करो, नेक्स्ट प्रेफरेंस फिल करो, अपनी बेस्ट वाली फिर भी यहाँ फिल करो, सेकंड फिल करो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने वहां वो वीडियो देख लीजिए आप, बड़ी डिटेल में हर तरह से बताया गया कि आप कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो का लिंक नीचे दिया गया होगा, हाउ टू नहीं चॉइस मेकिंग एंड चॉइस फिलिंग, ये ऐसे है। सर मैं एमए हिस्ट्री की हूं, मेरा मेजर माइनर क्या होगा? एमए हिस्ट्री हो आप, इट मींस के 3 साल आपने वो पढ़े होंगे ना, वो ग्रेजुएशन के बेस पर बने होंगे। मैंने कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी पंजाबी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। मैडम ये आपका इसके जगह पर बन गया, आप हिस्ट्री मत छोड़िए। नहीं तो वो आप, आपको डिसाइड करना होगा, एक तो आपका एसएसटी का कॉम्बिनेशन आपके बहुत सारे बन रहे हैं, एक तो आपका बन रहा है एसएसटी का, दूसरा आपका हिस्ट्री का बन रहा है, क्योंकि अगर आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हो तो आप टीचिंग ऑफ हिस्ट्री लेकर सीधे एलिजिबल हो गए। अगर आप एसएसटी लेते हो तो आप टीजीटी के लिए सीधे एलिजिबल हो गए। ये बात है कि एसएसटी के साथ हिस्ट्री नहीं मिलेगी, आपको एक मेजर चूज करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। तो आप इसके साथ, आपको एसएसटी के साथ जहां इंग्लिश जहां पंजाबी ये लेनी पड़ेगी, कहां गई पंजाबी ये रही, है ना। तो इनमें से आपका एक है कि आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हो जिसकी पोस्ट कम होती है, या एसएसटी टीजीटी के लिए जो 10th तक टीच करना है लेकिन पोस्ट ज्यादा होती है। तो ये आपको चूज करके पंजाबी और इंग्लिश, पंजाबी और इंग्लिश में से चूज करना है। तो आप पहले ये देखिए मैंने एमए कौन सी करना चाहता हूं फर्दर, अगर करनी है पंजाबी की या इंग्लिश की। अगर आपको लगता है कि मैं पंजाबी की एमए करना चाहता हूं तो पंजाबी एसएससी के साथ लीजिए, अदरवाइज अगर इंग्लिश एमए करना चाहते हो तो इंग्लिश की, इंग्लिश को एसएससी के साथ ले लीजिए। सर बीसीए तो बात केड़ी चॉइस बनूंगी मेरी मेजर ते माइनर दी, इसका एक वीडियो दिया गया है कंप्यूटर साइंस का ना, साथ में बताया गया है। तो आपका कंप्यूटर साइंस तो बनेगा ही बीसीए, अगर साथ में अगर आप बीसीए में बता देते कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, अगर और कोई सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा है रेगुलर आपने कंप्यूटर साइंस में, तो वो भी आपका मेजर सब्जेक्ट बन सकता है। नॉर्मली आपका कंप्यूटर साइंस विद इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस पंजाबी, ये तो पक्का बनेंगे ना। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ मैथ्स वगैरह पढ़े हुए हैं, मैथ्स ठीक है, और भी कोई हो सकता है, तो आपका ये बेटर है। जनरल पंजाबी और जनरल इंग्लिश को मैक्सिमम अवॉइड कीजिए, अगर कोई और 3 साल पढ़ा है तो उसको प्रेफर कर लीजिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन में पॉलिटी हिस्ट्री पंजाबी लिटरेचर और जनरल पंजाबी जनरल इंग्लिश पढ़ा है, आपका सीधा बन रहा है एसएसटी, ये बन गया एसएसटी और पंजाबी, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका सारे कॉलेज में अवेलेबल है, पढ़ा है, चूज करना चाहिए मुझे अगर पटियाला में एडमिशन लेना है, यही आपको चूज करना चाहिए। सर पंजाबी यूनिवर्सिटी दे अंडर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड किन्ने ने, जेडे एडेड कॉलेज ने उन्हां दी फीस फेयर गवर्नमेंट कॉलेज जिन्नी हो जू? नहीं 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 नहीं, प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है, जो एडेड कॉलेज हैं उनकी फीस का ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं एक वीडियो बना दूंगा, ये नोट कर लिया मैंने, एडेड कॉलेज फीस। नेक्स्ट है सर मैं बीएससी मेडिकल जूलॉजी बोर्ड केमिस्ट्री जनरल पंजाबी इंग्लिश की है, तो मेरे साइंस लैंग्वेज दी जगह लाइफ साइंस लैंग्वेज, लाइफ साइंस फिजिकल साइंस ले लवा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मास्टर कैडर टाइम, मास्टर कैडर में जाना चाहते हो ना, तो आप साइंस को क्यों अवॉइड कर रहे हो? आप साइंस, सॉरी ये लीजिए अपने कौन से बोला, साइंस लैंग्वेज ले रहे हो ना, लैंग्वेज का आपको नहीं है फायदा कोई, लैंग्वेज का आपको ग्रेजुएशन का, फिर ग्रेजुएशन का 3 साल का एडिशनल देना पड़ेगा, ये बात को समझ लीजिए। अगर आप लेते हैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में से आप लीजिए, ये आपके बन गए साइंस
और फिजिकल साइंस एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और दूसरा साइंस और लाइफ साइंस, ये दोनों आपको मिल जाने हैं। इस पर रहिए, इस पर मत जाइए यहां, क्यों दोनों आप साइंस आपको मास्टर कैडर में लेके जाएगी साइंस, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस में नहीं लेके जाना। अगर मास्टर कैडर में इसकी जाए रहना चाहते हो तो फिर आप इधर पंजाबी या इंग्लिश में आ सकते हो, लेकिन बीएड करने के एकदम बाद आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, ये आप पीजीटी के लिए दोनों एलिजिबल होंगे, प्रोवाइडेड आप फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, है ना। तो आप प्रेफर कर सकते हो साइंस की जगह पर फिजिकल साइंस, साइंस की जगह लाइफ साइंस, नहीं तो फिर अगर मास्टर कैडर में ही रहना है पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं करनी तो आप ये पंजाबी साइंस के साथ पंजाबी और इंग्लिश इनमें से कोई ले सकते। सर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का बताना मुझे मेजर माइनर। सर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में मुझे नहीं पता कि और कौन से सब्जेक्ट हैं, मेरे ख्याल में बायो तो आपका लाइफ साइंस, अगर और भी साथ में दूसरी साइंसेस पढ़ी हैं तो हो सकता है कि आपका साइंस और लैंग्वेज बन जाए। अगर आपका सर साइंस और लैंग्वेज नहीं बनता, लैंग्वेज मीन साइंस पंजाबी साइंस इंग्लिश, अगर आपको ये नहीं मिलता, मतलब आपने दो साइंसेस नहीं पढ़ी तीन साल, ये आपका डीएमसी देख के पता चलेगा, तो फिर आपको लाइफ साइंस पक्का मिल जाएगा, लाइफ साइंस प्लस पंजाबी इंग्लिश, ये आपको बन जाएगी, बाकी डीएमसी देखने से ही क्लियर हो सकता है। सर मैंने ग्रेजुएशन एमए बीएससी कंप्यूटर साइंस की है, 13 सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर है, जैसे इन्होंने बताया ना ऐसे सब्जेक्ट बताने होंगे, आपने किया है सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, तो माया साइंस और मैथ एज ए कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, सब्जेक्ट तीन साल पढ़े हैं, प्लीज रिप्लाई। सर आप साइंस और मैथ ले सकते हो, साइंस फिजिक्स है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, आपको साइंस नहीं, मैथ के साथ साइंस नहीं मिलेगा, मैथ के साथ फिजिकल साइंस मिलेगा, फिजिकल साइंस, क्योंकि आपने एक साइंस इधर पढ़ी है। साइंस के लिए दो साइंसेस चाहिए, वो आपने मैथ को मिला के पढ़ते हो तो साइंस बनती है, फिर आपको मैथ नहीं मिलेगा, फिर आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। तो आपने क्या पूछा है, साइंस मैथ इज बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी फॉर गवर्नमेंट जॉब एलिजिबिलिटी, हो गई मेरी रिप्लाई प्लीज, लेकिन आपको दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे, ठीक है, फिर आप साइंस कंप्यूटर साइंस आपका नंबर वन रहेगा, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो जाते ही बीएड के इमीडिएट बाद आप टीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हो, अगर आप मैथ्स कंप्यूटर लेते हो फिर भी आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, ये टॉप के आपके बन रहे हैं रैंक। अगर आप मैथ्स के साथ फिजिकल साइंस लेते हो, है ना, तो फिजिकल साइंस लेने से आप मैथ्स के तो टीजीटी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन फिजिकल साइंस के तब एलिजिबल हो गए जब फिजिकल साइंस की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या एमएससी आप कर लोगे, तो ये है आपके, आपको साइंस मैथ नहीं मिलेगा, साइंस फिजिकल साइंस ही मिलेगा। इसके अलावा आपके और बड़े कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जैसे मैथ के साथ पंजाबी, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सर मेजर सब्जेक्ट कितने लेने पाएंगे, वन या टू, देखिए आप मेजर सब्जेक्ट आपके बनते कितने हैं, जैसे पीछे मैं कंप्यूटर साइंस वाले के एग्जांपल देके आया हूं, उसके कंप्यूटर साइंस का भी बन रहा है, साइंस का भी बन रहा है, मैथ्स का भी मेजर बन रहा है, तो अकेली फिजिकल साइंस का भी मेजर बन रहा है, कितने मेजर बन रहे हैं, तो आपका कौन सी आपने तीन साल पढ़े हुए हैं उसके हिसाब से पता चलेगा, आप जितने मर्जी मेजर सब्जेक्ट फिल कर सकते हो प्रोवाइडेड यू आप एलिजिबल हो, तीन साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑप्शन, तो यूनिवर्सिटी ऑप्शन तो बाद कोई ऑप्शन नहीं आ रही, नहीं आ रही है, फिल हो रहा है आप, थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। सर मेरे पास इंग्लिश इलेक्टिव एसएसटी भी थी, बीए एम में मेजर और माइनर के कौन सी चॉइस करूं, ये बात क्लियर नहीं हुई, मेरे पास इलेक्टिव इंग्लिश और एसएसटी मुझे क्लियर नहीं हुआ कुछ भी, वो तो आपका बन ही रहा है, एसएसटी इंग्लिश आपका बेस्ट बन रहा है अगर ये है आपको। सर अनएबल टू सिलेक्ट सब्जेक्ट, आई वॉज यूजिंग मोबाइल ब्राउजर, कैन इट बी ए रीजन, हाँ आप लैपटॉप पर करके देख लीजिए। सॉरी सर आपका क्वेश्चन मुझे नहीं है क्लियर, मैंने कोशिश की है सभी के उत्तर दूं, अगर नहीं दे सका तो वेरी सॉरी।